हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव और स्वागत है माय चैनल स्टार स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूपीसीएट के बारे में, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, ये एक यूजी लेवल के प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है ये एग्जाम। तो चलिए आइए, आप मैं उसको इस वीडियो में आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बताऊंगा, इसके डेट्स के बारे में बताऊंगा, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएस के बारे में। तो दोस्तों, यूपीएस ये देहरादून का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत से प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। वैसे तो इसमें बहुत से प्रोग्राम है जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, लेकिन जो इसका बहुत ही पॉपुलर और काफी जाना माना प्रोग्राम है वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। दोस्तों, यहाँ की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंडिया के टॉप 5 ब्रांचेस में एक आती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो ये प्रोग्राम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, यहाँ की प्लेसमेंट काफी अच्छी है, मतलब 90% अगर आप यहाँ की जो प्लेसमेंट है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से है। यहाँ से जो स्टूडेंट प्लेस होते हैं वो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में भी जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, आज मैं आप बाकी वीडियो में इसकी इसके और बारे में बताता हूँ। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसी है कि आपके क्लास 10th में 60% होने चाहिए ओवरऑल, और उसके साथ ही साथ 12th में आपके 60% होने चाहिए, और सबको मिलाने के बाद आपके पीसीएम में 60% होने चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको जो एग्जाम क्वालिफाई करना है वो अलग। आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके 10th में 80% होने चाहिए और आपके 12th में पीसीएम में 80% होने चाहिए। दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ इससे ही फुलफिल नहीं होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेंगे तो ही आपको बता सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इन तीनों दोनों के अलावा आपके जेई मेन से भी इसमें एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए जेई मेन अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 3 घंटे क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। आपके 50 फिजिक्स से आएंगे, 50 केमिस्ट्री से आएंगे, 50 मैथमेटिक्स से आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश से, और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर से। दोस्तों, जो पीसीएम का लेवल है वो 11th और 12th के स्टैंडर्ड का आता है। तो अगर आपने 11th और 12th अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको एक क्वेश्चन सही करने पर +1 मिलेगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म और डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म का अवेलेबिलिटी है वो आपको स्टार्ट हो जाएगा सेप्टेम्बर से। सेप्टेम्बर में कोई डेट फिक्स नहीं है, तो किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकता है और ये जाएगा आपके एंड के अप्रैल तक। तो आपके पास काफी टाइम है फॉर्म भरने के लिए और आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म की जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, करीबन 1850 रुपीज है। तो ये है इसकी फॉर्म की फीस और ये है इसके डेट्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टार स्टडी को सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा कोई यूपीएस या किसी और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। थैंक यू।